साहिब दे गुरुद्वारे जो ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो अखंड पाठ कराउंदे ने ओ गुर सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदिया फल पाउंदे ने ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो अखंड पाठ कराउंदे ने ओ गुर सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदिया फल पाउंदे ने साहिब दियां सुंदर पालकियां सचखंड धाम च सजदियां ने सचखंड धाम च सजदियां ने सचखंड धाम च सजदियां ने सारा साल ही खंड पाठां दियां लड़ियां एथे लगदियां ने लड़ियां एथे लगदियां ने लड़ियां एथे लगदियां ने सचखंड दे विच टेक के मत्था सचखंड दे विच टेक के मत्था दर्शन गुरां दा पाउंदे ने ओ गुर सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदिया फल पाउंदे ने ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो अखंड पाठ कराउंदे ने ओ गुर सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदिया फल पाउंदे ने ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो खंड पाठ दा इस अस्थान ते संग तो बड़ा महत्व है संग तो बड़ा महत्व है संग तो बड़ा महत्व है जग अश्वमेध दा फल है मिलदा गुरु दी मिलदी रहमत है गुरु दी मिलदी रहमत है गुरु दी मिलदी रहमत है दसमा हिस्सा नेक कमाई दसमा हिस्सा नेक कमाई गुरु दी भेट चढ़ाउंदे ने ओ गुर सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदिया फल पाउंदे ने ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो अखंड पाठ कराउंदे ने ओ गुर सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदिया फल पाउंदे ने ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो ललन साहिब दे गुरुद्वारे देश विदेश ते कुल आलम विच कई श्रद्धालु वसदे ने कई श्रद्धालु वसदे ने कई श्रद्धालु वसदे ने घर जिन्हां दे पईआं बरकतां आण विदेशों नसदे ने आण विदेशों नसदे ने आण विदेशों नसदे ने ठंडियां छबीलां दुध चावां दे
ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਦੁੱਧ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧਨ ਇਥੋਂ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧਨ ਇਥੋਂ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧਨ ਇਥੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਪਰ ਸਨ ਇਥੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਪਰ ਸਨ ਇਥੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਪਰ ਸਨ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਏ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਏ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਕਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਵਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਵਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕੋਮਲ ਜਲੰਧਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਚੰਦਨ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰ
सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदे आ फल पौंदे ने। ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो, ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो अखंड पाठ कराउंदे ने। ओ गुरु सिख ने गुरु दे प्यारे मन चिंदे आ फल पौंदे ने। ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो, ललन साहिब दे गुरुद्वारे जो गुरु प्यारे ओ पवित्र थां ओ पवित्र धरती ओ पवित्र थां शहीदां दी जिथे अज उन्हां दी यादगार बनी है, जिस यादगार नूं जिस अस्थान नूं शहीदां दे नाम नाल जाणिया जांदा है, तलन साहब जिथे धन धन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा निहाल सिंह जी महाराज ने अपने पवित्र चरण पाए सन, सिमरन किया सी, बंदगी कीती सी, ओ पवित्र थां जिस जगह ते पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा हरनाम सिंह जी महाराज ने ऐनी घोर तपस्या कीती, ओ जगह ता की, ओ पिंड ता की, सारा आला दुआला पवित्र हो गया। ते गुरु प्यारे उहदे विच किन्नियां कु सिफतां ने, जेड़ा भी अज उस पवित्र धरती ते उस पवित्र अस्थान दे दर्शन करदा है ना, ओ मन चिंदिया फल प्राप्त कर लैंदा है। उत्थे लोग अरदास करदे ने महापुरशां दे चरणां च कि महाराज साड़ी आ इच्छा है, आ बेनती है, पूरी करो, असी श्री अखंड पाठ साहिब करवावांगे। ते गुरु प्यारियो जाके वेख लो, हमेशा ही अखंड पाठां दियां लड़ियां चलदियां रहिंदियां ने सारा साल। क्यों चलदियां ने? जे गुरु दे प्यारियां दियां संगतां दियां मनोकामनावां पूर्ण हुंदियां ने तां ही चलदियां ने ना। ते गुरु प्यारियो धन धन बाबा निहाल सिंह जी महाराज क्या करदे सन, बई कोई भी इंसान जन्म नाल छोटा जा वड्डा नहीं हो जांदा, सगों अपने कर्मा नाल छोटा जा वड्डा बनदा है। ते गुरु प्यारे ओ बाबा जी आख्या करदे सन, बई हंकार नू त्यागण दी लोड़ है, हंकार नू त्यागिया जावे मनुख बड़ा चंगा लगदा, उहदे विच निम्रता आ जावे ते सारिआं नू चंगा लगदा। ते गुरु प्यारिओ क्रोध नू त्यागण करके मनुख नू सोच नहीं करनी पैंदी, क्योंकि जदों बंदा क्रोध विच आ जांदा है कुछ सोचदा नहीं। इस तरह दे उपदेश दिया करदे सन धन धन बाबा निहाल सिंह जी महाराज। ते गुरु प्यारे उन्हां दे जीवन दिया कुछ ऐसियां नसीहतां वो संगतां नूं दिया करदे सन, आख्या करदे सन, बई उस परमात्मा ते विश्वास करन नाल बंदा सियाणा बन जांदा है, उस प्रभु ते भरोसा करन नाल बंदे विच सियाणप आ जांदी है। ते गुरु प्यारे आख्या करदे सन भी हमेशा गरीबां लोड़वंदां दी सेवा करिया करो, दुखियां दी सेवा करिया करो। ते गुरु प्यारे ओ आख्या करदे सन भी कदी भी सौ ना खाओ ते ना ही कदी किसे नाल झूठा वादा करो, हर गल सोच के करो। घट बोलन नाल इंसान सदा ही ज्यादा सीखदा, जदों दूसरिआं नूं सुणदा ते उह सियाणा हो जांदा। इस तरह दे उपदेश दिया करदे सन
बाबा निहाल सिंह जी महाराज ते गुरु प्यारियो उना दे जीवन दियां कई ऐसियां घटनावां आउंदियां ने, कई ऐसियां साखियां आउंदियां ने। एक वेरां दी गल है, एक वेरां दा वाकया है। एक बुढ़ी औरत जिसने बाबा जी दे चरणा विच अरदास कीती सी, बेनती कीती सी, उन्हें बेनती कीती क्योंकि उदा भरा एक कतल दे केस विच किसे उदे विरोधियां ने उन्हूं झूठा पसा दिता, सबूत भी पक्के बना दिते। ते ओ बुढ़ी औरत गुरु प्यारियो जिसका नाम प्रीतम कौर सी, ओ पिंड भरौली दी रहण वाली सी, बाबा जी दी समाध ते मत्था टेकण आई। जदों उदा भरा फड़िया होया सी, बड़ी टुट्टी होई लाचार बाबा जी दी समाध ते अरदास कर रही है। कहन लगी कि हे महाराज, मेरा भरा अज झूठे केस विच उहदे विरोधियां ने फसा दिता है, तुसी कृपा करो, रहमत करो, तुसी तां जानदे हो भी की सच है। महाराज सबूत भी पक्के बना दिते ने उहनूं फसाउण वास्ते। हे महाराज, मेरी भरजाई, मेरे भतीजे भतीजियां, उहदे बच्चे सारे रुल जाणगे। साडे तां घर विच पहलां ही बड़ी गरीबी है, किरपा करो, रहमत करो, गरीब करके, माड़ा करके उहदे विरुद्ध पक्के सबूत बना दिते ने। मैं इह तुहाडे दर ते सुखना सुखदी हां कि जे तुसी मेरे भरा नूं छड़ा दिओ, मेरी मुराद पूरी कर दिओ, तां मैं पंजां सिखां नूं प्रशादा छकावांगी अते उहनां नूं वधिया कपड़े, कंघे, कड़े उहनां दे भेटा करांगी। ते गुरु प्यारियो, उहने इह वी सुखना सुखी कि मैं समाध वी बणावांगी। सच्ची आत्मा बाबा निहाल सिंह जी महाराज, उन्होंने वो बुढ़ी औरत प्रीतम कौर की अरदास बेनती सुनी। जदों अरदास बेनती सुनी तो उस औरत दियां बेनतियां प्रवान कर लईयां। उहदा जिहड़ा भरा झूठे कतल केस विच फड़िया गया सी, ओ नौ बार नौ बरी हो गया। जदों बरी हो गया ना, उहदा भरा छुट गया। ते गुरु प्यारियो, उस बुढ़ी दे, उस माता दे, प्रीतम कौर दे दिन भी चंगे आ गए। घर विचों गरीबी भी हौली हौली दूर हो गई। ते ओ माता अपनी जिहड़ी उहनें सुखना सुखी सी ना कि महाराज मैं पंजां सिखां नूं प्रशादा छकावांगी, उहनां दी सेवा करांगी, ओह सुखना भुल गई। ते बाबा निहाल सिंह जी महाराज उस माता नूं याद कराउण लई कि तेरी सुखना पूरी नहीं होई, एक चमत्कार पेश कीता। कैसा चमत्कार, दसण वाले दसदे ने कि वो माता प्रीतम कौर, उहदा पति साधु सिंह गर्मियां दे दिन सन अपने खेतां दे पिड़ां विच सुता होया सी। रात दा समय जदों अद्धी रात होई तां बाबा निहाल सिंह जी महाराज घोड़ियां ते उहदे पास आए। साख्यात रूप अंदर कोई सुपना नहीं आया उन्हूं, घोड़ियां ते उहदे कोल आए
पांच सिख सन महापुरशां दे नाल उहनू जगाया। बड़ी बेफिक्री नींद विच सुत्ता पिया सी। पहला तां उह घबरा गया, फिर जदों बाबा जी ने बड़े प्यार नाल उहदे नाल गल्लां कीतियां उहदा मन शांत हो गया। उहनू पहलों तां इउं लग्गिया सी वी जिवें उहनू कोई मारन वाले आ गए ने। उहदा मन शांत हो गया जदों बाबा जी दे पवित्र मुखों वचन सुने, शांत हो गया। ते गुरु प्यारिओ धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा निहाल सिंह जी महाराज उहनू कहण लगे, कहिंदे भाई सिखा साडे घोड़िआं लई दाणा पाणी लिआ अते आ वेख साडे नाल पंज सिख ने, इह वी भुखे ने, इहनां नूं वी भुख लगी है, इहनां वास्ते वी लै के आ ते अपने घर जा। क्योंकि गुरु प्यारिओ उस बंदे ने, वह माता प्रीतम कौर दे पति साधु सिंह ने जदों महापुरशां नूं वेख्या ते उहनूं इउं लग्गिया भी वाकई कोई पहुंचे हुए महापुरश ने। बाबा जी कहिंदे भी अपने घर जाके घरवाली नूं आख भी जिहड़ी तूं सुखना सुखी सी ना पवित्र शहीदां दे अस्थान ते, उह पूरी कर। जदों साधु सिंह ने इह गल सुनी इन्ना हैरान होया बाबा जी तों आग्या लै के घर चलिया गया। बाबा जी उसे तरह पांच सिखां समेत उहदे पेड़ विच रात नूं बैठे रहे। घर पहुँच के उन्हें अपनी पत्नी नूं आख्या, सारी गल सुनाई ते ओह माता प्रीतम कौर कहण लगी कि मैं तां वाकिया ही भुल गई सी, मैं अरदास कीती सी महापुरशां दे चरणां च, मेरा वीर छुट जावे छुट गया पर मैं सुखना देनी भुल गई हाँ ते सानू ये सुखना हुणे पूरी करनी चाहीदी है। ते गुरु प्यारे प्रशादा तैयार कीता, दोनों जिया ने घोड़िया वास्ते दाणा पानी लिया ते पहुँच गए महापुरशां दे चरणां च। माता प्रीतम कौर उन्हें जदों महापुरशां नूं वेख्या नमस्कार कीती, अपनी भुल दी मुआफ़ी मंग रही है, मुआफ़ी मंग रही है। ते कहिंदे ने कि बाबा जी ने उसे वक्त अपने सिंघां नूं प्रशादा छकाया, घोड़िआं नूं भी दाणा छकाया। प्रशादा छक के बाबा जी प्रीतम कौर अते उस दे पति नूं हुक्म दे रहे ने कि तुसीं जिस तरह यह सुखना पूरी कीती है ना ते समाध बनाउण दी भी सुखना सुखी सी। बाबा जी ने जगह दस दित्ती भी उस जगह जाके समाध मनाओ। ते गुरु प्यारिओ बाबा जी ने आख्या भी समाध बनाउणी है, प्रशादा ते कपड़े लीड़े सिंघां नूं दिओ। पांच पांच करमां ते निशान ला दिता महापुरशां ने। ते गुरु प्यारिओ माता प्रीतम कौर ते उहदा पति साधु सिंह कहण लगे, महाराज हे महापुरशो भी जिस दी ये जगह जे उहनें सानू ये सारा कुछ ना करन दिता तां फिर। बाबा निहाल सिंह जी कहण लगे कि घबराओ ना, वह अकाल पुरख उहदी मर्जी है, वह आप सहायता करेगा, बाकी असी सारा कुछ देख लवांगे। ते गुरु प्यारिओ बाबा जी इन्ना कह के पंजां सिंघां समेत अलोप हो गए। जदों माता प्रीतम कौर ते साधु सिंह ने वेख्या इन्ने हैरान होए, इन्ने हैरान होए, हैरानी दी उहनां दी कोई हद ना रही। ते गुरु प्यारिओ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਲਣ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰਮਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਚਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਧ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਲੀਲਾ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੇਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ